शांत हो जाओ नंदीश। तुम वफादार दोस्त हो और ऐसा दोस्त हर किसी को नसीब नहीं होता है। तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, आज तुमने फिर से प्रूव कर दिया। मेरा पेट भरने वाले मालिक को अगर कोई उंगली दिखाए तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े करने में हिचकिचाऊंगा नहीं। वो देख लिया मैंने, आप वहां खड़े थे, बस यही कारण है कि वो आज भी जिंदा है। आपके न होने पर उसने ये सब कहा होता तो बस उसी पल उसका खेल खत्म हो चुका होता बड़े मालिक। ओ हो, रिलैक्स। मैं जानता हूं तुम मेरी कितनी इज्जत करते हो, लेकिन डर भी जरूरी है। मेरा नहीं, कानून का डर, उसका सम्मान करो। सम्मान और डर सिर्फ आपका है मालिक। आपसे बढ़कर ना मैं कोई कानून जानता हूं और ना भगवान को मानता हूं। किसी के कत्ल के इल्जाम में तुम जेल चले गए तो तुम्हारे जैसा दोस्त मुझे और कहां मिल सकता है नंदीश। चिढ़ गुस्सा ये नॉर्मल बातें, लेकिन होश खोकर कुछ भी करोगे तो उसका इतना नुकसान होगा तुम सोच भी नहीं सकते। मैं तुम्हें बिल्कुल खोना नहीं चाहता नंदीश। जब तक मैं जिंदा हूं मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। साथ रहोगे ना? रहूंगा मालिक। एक और बात ध्यान से सुनो, अगर गुस्सा आए तो सिर्फ डराओ, उसे मारो मत। तुम मारोगे तो मर जाएगा। किसी की मौत नहीं चाहिए, मुझे उनके दिल में डर चाहिए। गुरुजी, आपका यह दीर्घ मौन हमें व्याकुल कर रहा है। इतनी गंभीरता से आप क्या सोच रहे हैं गुरुजी? मुझे वो तेजस्वी आंखें अभी भी बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं और मैं उसके बारे में ही सोच रहा हूँ। कौन सी आंखें गुरुजी? दिग्विजय के घर जो मेहमान बनकर आई थी, उस लड़की की आंखें। उनकी आंखों में ऐसी क्या विशेषता है गुरुजी? उन आंखों में मुझे एक प्रकार की भयानक चमक दिखाई दे रही थी। मुझे संदेह है भद्र कि उस घर में प्रवेश करके हमारी शक्तियों को जिस सांप ने चुनौती दी है वो वही हो सकती है। इसीलिए हमें जिन जिन लोगों पर संदेह हुआ है उनकी जांच करनी होगी। जांच करने हेतु क्या कोई मार्ग है क्या गुरुजी? किसी भी प्रकार से उसके केशों को और उसके वस्त्रों को तुम्हें यहाँ लाना होगा। अवश्य लेकर आएंगे गुरुजी। उसके साथ साथ उसके जन्म कुंडली की भी आवश्यकता है। जितनी जल्दी तुम ये सारे काम सफलता से पूर्ण कर पाओगे उतनी ही जल्दी मैं इस रहस्य का पता लगा लूंगा। त्रिविक्रम आओ, त्रिविक्रम, त्रिविक्रम। कौन है? त्रिशूल। कौन है? आओ त्रिशूल, मैं यहाँ हूँ त्रिशूल। कौन है? त्रिविक्रम आओ, त्रिविक्रम, मैं यहाँ हूँ त्रिशूल। हेलो त्रिशूल, मैं यहाँ हूँ त्रिशूल। कौन है? मैं यहाँ हूँ त्रिविक्रम।
मेरे सपने में सांप क्यों आया? आखिर ऐसा अजीब सपना क्यों आया मुझे? वो लड़की कौन थी? हे भगवान, वो लड़की सांप कैसे बन गई? मैं क्यों उस लड़की का पीछा कर रहा था? वो लड़की मुझसे कुछ कहना चाहती थी। मेरी तो जान ही निकल गई थी। सिर्फ वो लड़की नहीं, वो सांप भी मुझसे कुछ कहना चाहता था। ये सब क्या हो रहा है? ऐसा सपना कभी नहीं आया मुझे। इस सपने का क्या मतलब हो सकता है? वो लड़की कौन है? वो मेरे सपने में क्यों आई? मैं उसका चेहरा क्यों नहीं देख पाया? कौन हो सकती है वो लड़की? शिवानी सिर्फ मेरी है। तुम सिर्फ मेरी हो शिवानी। कौन हो तुम? तुम मेरी हो शिवानी। क्या था ये? बहुत ही बुरा सपना था। कौन थे वो दोनों जो मेरे लिए लड़ रहे थे? एक दूसरे को मारने के लिए भी तैयार थे। इस सपने का क्या मतलब है? पता नहीं वो दोनों कौन हैं। उन दोनों का चेहरा भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने एक दूसरे को क्यों मारा? इतना बुरा सपना क्यों आया? क्या मतलब है इसका? अब मुझे जल्द से जल्द त्रिकाल गुरुदेव से मिलकर इसका कारण और उपाय पूछना होगा। त्रिविक्रम आ गया। खुशी, त्रिविक्रम के लिए नाश्ता लगा दो। गुड मॉर्निंग सन। तुम इतने डल क्यों लग रहे हो? रात में लेट सोए थे या फिर तुम्हें नींद ही नहीं आई? सुबह सुबह उठकर फ्रेश और एनर्जेटिक फील करना चाहिए। मेरी बात सुन रहे हो ना? डैड, वैसे मैं टाइम पर ही सो गया था, बट ठीक से नींद नहीं आई। लेकिन क्यों? सपने में सांप देखा।
सांप देखा। क्या कहा? सांप? ये कैसा शगुन है? अरे अच्छा शगुन तो बिल्कुल नहीं है दीदी। सपने में सांप दिखना ही नहीं चाहिए, इससे ना। ए, चुप हो जाओ। तुम कब से शुभ और अशुभ डिसाइड करने लगे त्रिविक्रम? कैसा सांप था? कौन सा सांप था? डैड वो बहुत ही अजीब सपना था। मतलब सांप आया था लेकिन वो सांप नहीं था। पहले एक लड़की थी और जैसे ही मैंने उसका पीछा किया तो वो अचानक से बदल गई। आई डोंट नो डैड, वो लड़की अचानक से सांप में कैसे बदल गई। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा डैड। छोटे मालिक, क्या हुआ छोटे मालिक? कुछ नहीं ब्रो, कल मैंने सपने में सांप देखा, वही डैड को बोल रहा था। क्या आपके सपने में भी सांप आया था? ए, आपके भी मतलब? मतलब कल रात मेरे सपने में भी सांप आया था पिताजी। मतलब सांप नहीं था, पहले एक लड़की आई थी, फिर बाद में वही लड़की एक सांप में बदल गई थी। पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वेट 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 वेट, व्हाट? सेम ड्रीम त्रिशूल, मेरे सपने में भी यही हुआ था। दीदी, ये चोर का बेटा ना, ये भी त्रिविक्रम के जैसा ही है, दिखाने के लिए ही इस तरह का ढोंग कर रहा है। तू जरा चुप है, ये क्या है जी, इसका क्या मतलब है? चुप हो जाओ दमयंती, अगर सांप सपने में आ गया तो क्या अगले दिन सांप को 10 लीटर दूध पिलाओगी? अब इस पर कोई बात नहीं होगी। दोनों लड़कों का एक दूसरे को मार डालना, ये सब क्या है? शिवानी, स्वप्न के मूल अर्थ को कोई भी निर्धारित नहीं कर सकता। आज जो तुम्हें स्वप्न आया है वो भविष्य के किसी घटना का सूचना स्त्रोत्र हो सकता है। कई बार भविष्य में घटने वाली घटनाओं को वो महादेव स्वप्न के रूप में पहले ही सूचित कर देते हैं। आज जो तुमने स्वप्न देखा है वो उस महादेव का आशीर्वाद भी हो सकता है अथवा सावधान रहने की सूचना भी। अब मैं इसको किस रूप में स्वीकार करूं गुरुदेव? हाँ गुरुदेव, शिवानी ने बहुत मेहनत की है, ऐसे समय में फिर से ये सब, ये शुभ है या अशुभ? सुनो, भविष्य में तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं आने वाली हैं ये उसे सूचित कर रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। अब तुम्हारा इस स्वप्न से ऊपर उठकर सोचने का समय आ गया है। अब तुम्हारे पास अधिक समय नहीं है। हाँ शिवानी, तुम्हारे पास केवल 5 दिनों का ही समय है। इतने समय में आदिशेष का पता लगाकर, उसे पुरानी बातों का स्मरण कराकर, नागमणि का पता लगाकर उसे वापस नागलोक लाना होगा। केवल 5 दिनों के अंदर? इतनी शीघ्रता क्यों गुरुदेव? क्योंकि ज्येष्ठ मास का आगमन होने वाला है। तुम सबके इच्छाधारी नाग होने के बावजूद भी इस मास में तुम्हारी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। उस एक मास में केवल दिन के समय नाग अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सकते हैं। सूर्यास्त के पश्चात
तुम्हारा नाग रूप में रूपांतर हो जाएगा। हे भगवान, सच में? हाँ शिवानी, वापिस मनुष्य रूप में रूपांतर के लिए तुम्हें सूर्योदय तक प्रतीक्षा करनी होगी। ये मास तुम्हारे कार्य में अड़चने लाएगा, इसीलिए 5 दिनों के अंदर अपने कार्य को समाप्त करो। ठीक है गुरुदेव, मैं अवश्य प्रयत्न करूंगी, पर केवल 5 दिन? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शिवानी, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, इस संकट का उपाय मैं ढूंढूंगी। आज्ञा दें गुरुदेव। अनुमति देना माता। विजयी भावा। हे महादेव। कहो, कैसी थी लड़की? सांप कैसा था? हाँ, वो लड़की ने सफेद कपड़े पहने थे, पर उसका चेहरा नहीं देख पाया डैड। वो जैसे चलते चलते आगे बढ़ रही थी, सडनली वो सांप बन गई। गोल्डन कलर का सांप, उसके शरीर में एकदम अलग अलग प्रकार की लकीरें थी। और धीरे धीरे सरकते हुए चली गई। उसे देखकर एक अलग प्रकार का आकर्षण हो रहा था, मतलब वो गोल्डन कलर, काली लकीरें, एक रॉयल्टी थी उसमें डैड। हाँ हाँ बड़े मालिक। ये बहुत छोटी सी बात है, रिलैक्स। अगर दोबारा ऐसा कोई सपना आए तो मुझे जरूर बताना, ओके? मेरे पति बड़े मालिक के घर के ड्राइवर हैं और मुझे हमेशा पैदल चल के ही जाना पड़ता है, और हमेशा ऐसा ही रहेगा। क्या करूं? आए रे मेरी किस्मत। रही हो तुम? चलो इन्हें छोड़ो। शिवानी, मैं ये काम बहुत सोच समझ कर ही कर रही हूँ। क्या सोचा है तुमने? हमें जो काम करना है उसका इससे कोई संबंध है क्या? मतलब इन बिचारी ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन त्रिशूल को ढूंढने में ये मेरी मदद कर सकती है। ये क्या पागलपन है नीली? चलो इन्हें छोड़ो और घर भेजो। शिवानी, एक मिनट के लिए मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं भी इन सबसे थक गई हूँ। ये सब जल्दी खत्म करने के लिए ही इन्हें यहाँ बांध के रखा है। तुम करना क्या चाहती हो, जरा अच्छे से समझाओगी मुझे? मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है नीली। शिवानी, यहाँ देखो फोन। जानती हो इसे यहाँ क्यों रखा है? और इनके हाथ भी नहीं बांधे हैं मैंने। वो इसलिए क्योंकि इन्हें होश आते ही इस फोन से वो अपने बेटे को कॉल करेंगी। उस वक्त माँ को बचाने के लिए बेटा यहाँ जरूर आएगा, तब हमें पता चल जाएगा कि वो कौन है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा किया। किसने बांधा? यहाँ कोई है? बचाओ! बचाओ मुझे! फोन तो यही है। हेलो?
हेलो हेलो त्रिशूल, कहाँ हो तुम? क्या हुआ माँ, तुम रो क्यों रही हो? माँ क्या हुआ? कुछ गुंडों ने मुझे बेहोश करके यह जंगल में बांध दिया है बेटा। ये तुम क्या बोल रही हो माँ? हाँ बेटा, मैं सब्जी खरीद के लौट रही थी तब गुंडों ने हमला करके मुझे बेहोश कर दिया और यहाँ जंगल में लाके बांध दिया है। माँ वो कौन सा जंगल है? शायद घर के पास वाला। माँ तुम बिल्कुल घबराना मत, मैं जल्द से जल्द पहुँच रहा हूँ। अब त्रिशूल यहाँ जरूर आएगा, आखिरकार मुझे पता चल ही जाएगा कि वो कौन है। शिवानी अच्छे से देख लो, आज तुम्हें पता चल जाएगा कि त्रिशूल कौन है। लेकिन उसने अब तक हेलमेट क्यों नहीं निकाला? ऐसे में मुझे आखिर कैसे पता चलेगा कि वो कौन है? त्रिशूल जल्दी आ जाओ। नहीं, मेरे बेटे को छोड़ दो। अरे नीली ये क्या कर रही हो? त्रिशूल। शिवानी नीली शिवानी तू ज्यादा टेंशन मत।
ये त्रिशूल है ये जाने बिना? हमने इसके साथ बहुत गलत बर्ताव किया। हाँ शिवानी, हमें वैसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन त्रिशूल ही मेरा आदिशेष है। आखिरकार ये सच साबित हो चुका, मुझे मेरा आदिशेष मिल गया। मेरा आदिशेष मुझे मिल गया नीली, मेरा आदिशेष मुझे मिल गया। अब कोई समस्या नहीं आएगी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ शिवानी, तुम्हारे इतने दिनों की मेहनत आज रंग लाई है। देखा रीना, मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। परफेक्ट शॉट। ज्यादा बिल्डअप की जरूरत नहीं है, शूटिंग तो सब करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या बेबी, मेरे भांजे को इतना कम क्यों समझ रही हो? वो शार्प शूटर है। अब तुम ही कहो। देखिए मामा, निर्जीव वस्तुओं पर कोई भी चाहे तो फायर कर सकता है, इसमें कोई रिस्क नहीं। मामा आंखें बंद करो। क्यों, किस लिए? आंखें तो बंद करो। ठीक। ये क्या रखा तुमने? रुको ना मामा। भाई अब शूट करो। कैसा शूट? हाँ? अरे बाप रे, मुझे नहीं खेलना। मामा ट्रस्ट मी, बस आंख बंद करके खड़े रहो, पक्का एप्पल को ही शूट करूंगा। बेबी एक मिनट जरा यहाँ आना। क्या हुआ मामा? मुझे ना जिंदगी में आप बहुत कुछ करना है, एक ही शॉट में मेरी जान चली गई तो। तुम एक काम करो, तुम्हें अगर अपने भाई पर इतना ही विश्वास है ना, तो इस एप्पल को तुम अपने सर पर रख कर खड़ी हो जाओ, है ना? अरे बाप रे, इतनी हिम्मत मुझ में तो नहीं है बाबा। अरे ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम दोनों मेरी काबिलियत पे शक कर रहे हो, इसीलिए खड़े नहीं होना चाहते? देखो ये सब मैं नहीं जानता, दोनों में से किसी एक को एप्पल सर पर रख के खड़े होना होगा, मुझे शूट करना है। तुम डिसाइड कर लो। भाई इस काम के लिए एक ही बंदा है, जितनी हिम्मत उसमें है हम में तो नहीं है। कौन है वो बेबी? त्रिशूल। और कौन? वाह क्या बात है। एग्जैक्टली exactly, ये काम सिर्फ वही कर सकता yep. है। जाकर उसी से कहते ले आते हैं। देखो माँ, जो हुआ वो भूल जाओ, तुम दुखी मत हो माँ। वो तुम्हें गलती से ही उठाकर ले गए होंगे। दिखाओ मेरी प्यारी अम्मा। एक मिनट मां, किसी का फोन आ रहा है। हेलो, कौन है? हेलो त्रिशूल जी, मैं शिवानी बोल रही हूँ। आप हैं? आज कैसे याद आ गई मेरी? देखिए आप बुरा मत मानिए, लेकिन मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। उस दिन मैंने आपसे ये कहा था कि मैं किसी से प्यार करती हूँ, वो सब झूठ है। क्या? हाँ मैंने आपसे झूठ कहा था, उस दिन से मेरे दिमाग में यही चल रहा था, इसीलिए आज सच बताने के लिए मैंने आपको कॉल किया। लेकिन लेकिन आपने झूठ क्यों कहा? अपनी सिक्योरिटी के लिए, ताकि लोग मेरा एडवांटेज ना ले सकें, इसलिए मुझे आपसे ऐसा कहना पड़ा। आप तो जानते ही हैं ना त्रिशूल कि आजकल के लोग, मतलब
मेरी लाइन अभी तक तो क्लियर है। सुपर। हेलो, आप सुन रहे हैं ना? हाँ हाँ सुन रहा हूँ ना, कहिए। समझ गया ना, ठीक है, बुलाओ। त्रिशूल। अरे एक मिनट रुकिए, आइए आइए। ए त्रिशूल, तुझे मेरे भाई पर कितना विश्वास है? ये कैसा सवाल पूछ रही हैं आप? छोटे मालिक के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। जान चली जाए तो अच्छा ही होगा। देखा मामा, मैंने तुमसे कहा था ना, इस काम के लिए त्रिशूल ही परफेक्ट है। आओ त्रिशूल, चलो। लेकिन कहाँ छोटे मालिक? अरे चलो भी। हेलो हेलो त्रिशूल, हेलो। इसमें क्या है? इस एप्पल को मुझे सर पर रख के खड़े रहना है और छोटे मालिक इसे शूट करेंगे, है ना? हाँ। ठीक है, मैं रख लूंगा। तुम्हारा यही कॉन्फिडेंस मुझे खुश कर देता है। हाँ, अगर डर लगे तो आंखें बंद कर दो। छोटे मालिक, आपके निशाने को मैं जानता नहीं क्या? मैं रख लूंगा। चलो भाई, बहुत बातें कर ली, अब शूट करो ना। हेलो हेलो त्रिशूल। ठीक है, दूर जाऊं? इतनी दूर जाऊं ठीक है? हेलो, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? ये आप क्या कर रहे हैं त्रिशूल? ऐसा मत कीजिए, कोई जान के साथ खेलता है क्या? रेडी। हेलो हेलो, निशाना चूक कर सर पर गोली लग जाए तो आहा। ओह नो। हेलो हेलो, अब क्या करूं? छोटे मालिक एक मिनट। छोटे मालिक बस एक मिनट, ये थोड़ा अर्जेंट है। हेलो हेलो त्रिशूल। सॉरी, मैं भूल ही गया था कि आप लाइन पर हैं। देखिए, मुझे आपसे अभी के अभी कुछ जरूरी बात करनी है। तो वही गांधी सर्कल के पास वाले पार्क में मिल सकते हो? हाँ हाँ, मैं बस 10 मिनट में वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। नहीं नहीं, अभी के अभी आना होगा। अभी मतलब अभी, बहुत अर्जेंट है। लेकिन वो मैं एक इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ, बस 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा। देखो, ये मेरी जिंदगी से रिलेटेड बात है, जल्द से जल्द वहाँ पहुँच जाओ, समझ गए ना? मैं इंतजार कर रही हूँ। हम दोनों की जिंदगियों से रिलेटेड बात है, तुम समझ रहे हो ना? ओह, लाइफ मैटर है। जल्दी आ जाओ। हाँ हाँ, बस एक मिनट में पहुँच जाऊँगा, ठीक है? कैच। ए त्रिशूल। छोटे मालिक, मुझे अर्जेंटली जाना होगा, एक अर्जेंट काम आ गया। अरे, कल आप जितना चाहे उतना शूट करना, मैं कुछ नहीं कहूंगा, प्लीज। त्रिशूल, छोटे मालिक। त्रिशूल, कहिए मैडम, क्या बात है? क्या मैडम, आप तो बस मुस्कुरा ही रही हैं। आप जो कहने आई थी वो कहिए ना मैडम। आपको देखते ही मैं अपनी बात भूल गई। ऐसा क्या हुआ? मैं यहाँ क्या कहने आई हूँ ये तो आप जानते हो ना। अरे मैडम, आप सडनली मुझे रिस्पेक्ट देने लग गई हैं, इसलिए मेरा हार्ट कंफ्यूज होकर उछल कूद कर रहा है, डांस कर रहा है। मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप कुछ कहना चाहती थी ना, कहिए मैडम, मैं बस वो सुनकर चला जाऊंगा। मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं आपसे प्यार करती हूँ। I love you.
क्या ये सपना था? कितना अच्छा सपना था। अब कुछ ही वक्त में मेरा सपना सच हो जाएगा। त्रिशूल के आते ही मैं अपने प्यार का इजहार करूंगी। आज कुछ ना कुछ तो डिसाइड होना ही चाहिए। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसकी बात कंप्लीट होने के बाद ही मैं कुछ रिप्लाई करूंगा। यूं ही पागलों की तरह बड़बड़ करते हुए मुझे फंसना नहीं है। ओके, कम ऑन त्रिशूल, स्माइल। ये यहाँ इतनी अर्जेंटली आया है तो जरूर किसी से मिलने आया होगा। अरे कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। क्या हुआ रे? तेरा भाई तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, इतनी हिम्मत आ गई उसमें? देखते कैसे बचाता है वो तुझे। कौन हो तुम लोग? मुझे ऐसे क्यों पकड़ा है? मेरे भाई को पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। इधर है तेरा हीरो भाई, बुलाओ उसे। जरा नंबर दे उसका। 99। ये अननोन नंबर किसका है? तेरी बहन को मैंने किडनैप किया है। hey! अगर दम है तो आजा। देख तू कौन है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर तूने मेरी बहन को हाथ भी लगाया तो अच्छा नहीं होगा, ये बात याद रख। छोड़ मुझे भाई, जल्दी आओ भाई प्लीज। hey, बता मुझे कहाँ है तू? यहीं गांधी सर्कल के पास जो पार्क है वहाँ हूँ। नमस्ते मैडम, और फिर सब ठीक है ना? कैसी हैं आप? हाँ, और बताइए, मैं एक इम्पोर्टेंट काम में फंसा हुआ था। आपने एकदम अर्जेंटली बात करने को कहा था ना, इसीलिए मैं दौड़कर यहाँ पर आया। दौड़कर आया मतलब सही में दौड़कर नहीं आया, मतलब मैं अपनी बाइक से आया हूँ। ए भाई तू क्या कर रहा है, थोड़ा कम बात कर, उसे बात करने का मौका दे। देखिए मैंने आपको बहुत मिसअंडरस्टैंड किया है। अरे वो छोड़िए मैडम, वैसे भी मुझे हर कोई ही मिसअंडरस्टैंड कर लेता है। हाँ मैं थोड़ा अजीब हूँ ना, पर लोग मुझे गलत समझ लेते हैं। मैं सच में बहुत अच्छा लड़का हूँ मैडम, कोई समझता ही नहीं है बस। अपना मुंह बंद रखकर उनकी बातें सुन, अब मुंह से एक शब्द और निकाला ना तो। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात कहनी थी। हाँ कहिए कहिए। मैं जो आपके बारे में सोच रही थी वो सब गलत था, और अब चुप रहने से कोई फायदा नहीं, सच बताने का समय आ चुका है। वो तो पहले ही बता देना था, अब तो कह दीजिए, लेट मत कीजिए मैडम, प्लीज कहिए मैडम। वो मैं आपसे छोटे वाले, वो देखिए। हाय। ये क्या हो रहा था? ओ ये एक्चुअली जब तक ये चिल्लर मेरे हाथों से मार ना खा ले इन्हें नींद नहीं आती, इसलिए मैं इन्हें। एनीवेज नाइस टू सी यू। सेम हियर। सो सॉरी ऐसे समय में आपसे मुलाकात हो रही है। एक मिनट मैं अभी आया।
शरीर पर भी नागलोक का चिन्ह है। ये तो त्रिशूल के चिन्ह से मिलता जुलता है। तो फिर इन दोनों में से मेरा आदिशेष कौन है?